वाराणसी काशी हिंदू विश्वविद्यालय में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का संगठन मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ स्टूडेंट्स एजुकेशन वेलफेयर एसोसिएशन के द्वारा मध्य प्रदेश के सीधी जिले में बस दुर्घटना में मृतक यात्रियों को भावभीनी श्रद्धांजलि दिया गया है। 5:05 पर 2 मिनट का मौन रखकर सरकार से मांग किया है कि सभी मृतक परिवार के सदस्यों को नौकरी दिया जाए ताकि वह परिवार एक साधारण जिंदगी जीने के लिए सक्षम हो जाए। यह घटना 16 फरवरी को बस के नहर में गिरने से 54 लोगों की डूबने से जान गई है। सभी छात्रों ने मृतक यात्रियों की आत्मा की शांति के लिए 2 मिनट का मौन रखकर ईश्वर से प्रार्थना करते हुए मृतकों के परिजनों के प्रति गहरा शोक संवेदना व्यक्त की। यह एसोसिएशन उच्च शिक्षा पर कार्य करती है और छात्रों की शिक्षा से संबंधित मदद की जाती है। एसोसिएशन के संयोजक इंद्रलाल पटेल ने कहा कि इस घटना में ज्यादातर परीक्षार्थी थे और उन्होंने सभी मृतक परिवार के सदस्य को नौकरी देने की मांग किया है। वहीं एसोसिएशन के उपाध्यक्ष शकीरा बैगम ने कहा कि सभी परिवार के सदस्यों को एक एक नौकरी दी जाए और आरती साहू, कार्तिक, धर्मेंद्र पाल एवं अंकिता साकेत ने कहा कि शासन और प्रशासन की लापरवाही के कारण यह घटना घटी है। मृतक परिवार के सदस्य को अनिवार्य रूप से उचित मुआवजा और नौकरी देना चाहिए। श्रद्धांजलि देने वालों में इंद्रलाल पटेल, लाल कुमार साकेत, लक्ष्मण कुमार, आरती साहू, शाकिरा बैगम, अंकिता, धर्मेंद्र पाल, नीरज साहू, अखिलेश पटेल, महेंद्र कुमार, प्रवीण सिंह, दीपक चौधरी, पवन शर्मा, मनोज सिंह वैश्य, अर्जुन सिंह, शिवम शुक्ला, रोहित साहू, संदीप पटेल, रोहित गुप्ता, रामाश्रम साहू, रोहित राणा, कार्तिक वाटर हनुमान, लाल पटेल आदि विद्यार्थी मौजूद रहे।